वहीं रोहतक जेल से राम रहीम ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा रहूंगा डेरे का प्रमुख। पत्र लिखकर हमेशा डेरा प्रमुख रहने की बात कही है राम रहीम ने। जेल से अपनी मां और अन्यायियों के नाम एक खत लिखा। रेप और हत्या के मामले में जेल में है गुरमीत राम रहीम, जिसके चलते अब उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है राम रहीम की तरफ से रोहतक जेल से, और कहा कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा। तो आपको बता दें कि राम रहीम ने यह बड़ा ऐलान किया है जेल से और कहा पत्र लिखकर कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा। डेरे का प्रमुख रहने की बात राम रहीम की तरफ से कही गई है। जेल से अपनी मां और अन्यायियों के नाम राम रहीम ने यह खत लिखा है, जिसमें कहा कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा। आपको बता दें कि रेप और हत्या के मामले में राम रहीम जेल में है रोहतक जेल से। ये पत्र राम रहीम ने लिखा, जिसमें लिखा कि डेरे का प्रमुख मैं हमेशा रहूंगा। रोहतक जेल से राम रहीम ने यह बड़ा ऐलान किया है, डेरे का प्रमुख होने का ऐलान किया है और कहा है कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा। अजमीमा और अन्यायियों के नाम ये खत राम रहीम ने जेल से लिखा। आपको बता दें कि रोहतक जेल में राम रहीम है और वहां से उनकी तरफ से खत लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि डेरे का प्रमुख हमेशा मैं रहूंगा। ये बात कही गई है राम रहीम की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रोहतक जेल से राम रहीम ने यह बड़ा ऐलान किया, डेरे का प्रमुख होने की बात कही है और कहा है कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा। रोहतक जेल से राम रहीम की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। पत्र लिखकर हमेशा डेरे का प्रमुख रहने की बात राम रहीम की तरफ से कही गई है और जेल से अपनी मां और अनुयायियों के नाम ये पत्र राम रहीम ने लिखा, जिसमें कि लिखा कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा। ये बात राम रहीम की तरफ से कही गई है। आपको बता दें कि रेप और हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम जेल में है। इसी भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, राम रहीम की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है रोहतक जेल से, क्या कुछ अपडेट? तरन दस दिए कि ऐलान नहीं किया गया, एक चिट्ठी लिखी गई है राम रहीम वालों डेरा प्रमुख राम रहीम जो कि जेल दे विच ने सुनारिया जेल च ने रोहतक दी, और रोहतक दी जेल चो एक चिट्ठी लिखी गई है, अपनी माता जी नू चिट्ठी लिखी है उन्होंने और डेरा प्रेमिया नू चिट्ठी लिखी है कोरोना वायरस तो बचन दे लई की स्टेप्स लेने चाहिए ने की नसेसरी प्रिकॉशंस ने उन्हों लेकर जी चिट्ठी डेरा प्रमुख राम रहीम ने लिखी है। उसे साफ जाहिर किया है कि जेड़े मास्क पाना बड़ा अनिवार्य है, मास्क पाओ और जड़ी सोशल डिस्टेंसिंग नू मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग नू मेंटेन कीता जाए और जड़ी जड़ियां चीजां उपलब्ध असी करवा सकते हैं जड़े कि उन्होंने डेरे दे विचों वो चीजां जड़ियां प्रशासन नू उपलब्ध करवाइया जान। और उहदे च ये भी लिखा गया है कि अपनी माता जी नू लिखा कि वो अपना ध्यान रखन, डेरा प्रेमियां नू लिखा वो अपना ध्यान रखन। एक पहली चिट्ठी है जी उन्होंने जनतक की है जी कोरोना के टाइम से जनतक की गई है सारे वाल, और इस चिट्ठी के खास तौर पर उन्होंने ये भी लिखा है कि कोरोना वायरस जेड़ा महामारी जेड़ी फैली हुई है देश दे विच, इस दे बचना बहुत जरूरी है और इस तो की प्रकॉशंस लेने चाहिए है, वो सारियां जेड़ियां चीजां ने उस चिट्ठी दे विच मेंशन ने। साथ में ये भी मेंशन किया गया है नकुल चिट्ठी में कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा, इस तरह की बात कही गई है राम रहीम की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल तरन, ये भी चीज उन्होंने लिखी है उस चिट्ठी दे विच खास तौर पर कि हमेशा ही मैं डेरे का प्रमुख रहूंगा, क्योंकि हालांकि हरे कि वो जेल दे विच ने बलात्कार के केस दे विच 20 साल की सजा कट रहे ने सुनारिया जेल दे विच, पर उन्होंने उस चिट्ठी दे विच बिल्कुल मेंशन कीता है कि मैं ही जेड़ा प्रमुख रहूंगा डेरे का। तमाम अपडेट के लिए नकुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम की तरफ से ये बात कही गई है कि डेरे का प्रमुख, हालांकि वो सजा काट रहे हैं जेल में 20 साल की, वहीं उसके उनकी तरफ से इस तरह की बात कही गई है और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है किस तरीके से मास्क पहनना बहुत जरूरी है, ये तमाम बातें कही गई हैं क्योंकि कोरोना महामारी के चलते राम रहीम की तरफ से भी ये तमाम बातें जेल से ही उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए कही है और कहा है कि हमेशा डेरे का प्रमुख मैं ही रहूंगा। अपनी मां और अनुयायियों को उन्होंने ये पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि कोरोना से किस तरीके से बचना है और साथ ही उन्होंने कहा कि डेरे का प्रमुख हमेशा मैं रहूंगा।